गुड मॉर्निंग बच्चों। इकोनॉमिक्स में जो अपना अगला चैप्टर आएगा, चल रहा है, शुरू होगा जो आज, वो है 15 लेसन, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और नवीन प्रवृत्तियां। इसमें बच्चों हम दो तरीके से तुलना करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था की। एक तो है, यहाँ हम मान रहे हैं इसको अविकसित, मतलब इसमें हम देखेंगे अपनी अर्थव्यवस्था में कमियां क्या है, और दूसरा जो सुधार आया है वो आ जाएगा विकासशील अर्थव्यवस्था। तो अगर मैं एक सामान्य पूछूं आपसे कि बताओ अभी देश में समस्याएं कौन कौन सी हैं जो हम अन्य देशों से पिछड़ते हैं, तो आप दो चार तो अपने आप को बता सकते हैं, ठीक है। गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, तो वही हम देख रहे हैं। और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें अविकसित बताती है, फिर हमने क्या सुधार किया जो हम आगे वृद्धि हुई हमारी इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, क्या होती है, हमारे इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं अर्थव्यवस्था, ठीक है। किसी भी देश की वहां की जो वस्तुएं हैं, ठीक है, वहां की जो सेवाएं हैं, उनका वहां पर जो उत्पादन हो रहा है, ठीक है, या व्यापार हो रहा है, उनका जो उपभोग हो रहा है, उसके लिए जो क्रियाएं की जा रही है, वो उस देश की अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब अर्थव्यवस्था जो होती है, अपन ने उसके क्षेत्र देखे हुए हैं, तीन क्षेत्र के, उसमें किसी देश की अर्थव्यवस्था टिकी होती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। कहीं प्राथमिक में ज्यादा जोर होता है, कहीं द्वितीयक तृतीयक में जोर होता है। जो विकसित देश है वो द्वितीयक तृतीयक में ज्यादा योगदान वहां पर हो रहा है नागरिकों का, और हम भारत जैसे देश में अभी भी अधिकतर लोग किस पर ज्यादा निर्भर है, कृषि पर ज्यादा निर्भर है। तो हम यही देख रहे हैं कौन कौन सी ऐसी हमारी चीजें हैं जो हमको अविकसित अर्थव्यवस्था में लाती हैं। सबसे पहले बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे निम्न प्रति व्यक्ति आय। हमारे देश में निम्न आय है बच्चों, जैसे कि अपन किसी अन्य देश से तुलना करते हैं, तो हमारे देश में जो कमाई है, औसत जो निकाला जाता है, वो अन्य देशों के मुकाबले यहाँ पर अगर हम विकसित देशों से तुलना करें तो वो कम है, ठीक है। तो विश्व बैंक ने अनुमान बताया था, तो यहाँ एक क्वेश्चन बनेगा कि विश्व बैंक के अनुसार 2015 में जो देखी गई थी अपनी प्रति व्यक्ति आय, ये 1590 अमेरिकी डॉलर थी। डॉलर से देखा जाता है इसको, तो 1590 अमेरिकी डॉलर थी। तो हम अपने आप को अगर कंपैरिजन करते हैं तो हम विकसित देशों से तो पीछे है, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, पर हम अपने से कमजोर देशों से भी पीछे हैं, जैसे श्रीलंका है, ठीक है, या हम चलो चीन को भी गिन लें, तो इनसे भी हम प्रति व्यक्ति आय में क्या है, बहुत पीछे है। तो इसमें सुधार होना बहुत आवश्यक है। फिर दूसरा आता है जीवन की निम्न गुणवत्ता। हमारी जो जीवन शैली है वो कैसे प्रभावित होती है, क्यों हमारी निम्न आय है, एक हम औसत जो निकाल रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का स्तर अभी भी उच्च नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो भी अभी उचित जो स्तर तक नहीं पहुंच पाई है, इनकी स्थिति जो है बहुत निम्न स्तर पर है। तो अभी भी अगर हम देखते हैं तो शिक्षा का स्तर 2011 के अनुसार देखिए तो 74% है लगभग। अभी भी देश में 1/4 लोग निरक्षर है, अभी भी अपन 100% साक्षरता नहीं कह सकते। तो ये जो निरक्षर लोग हैं, फिर उनकी क्या हो जाती है, आय कम हो जाती है, उनके जीवन जीने का जो है स्तर वो भी क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में भी अभी इतनी सुविधाएं अभी देश में नहीं है, अभी भी जो नए नए जो स्वास्थ्य के लिए अगर हम कहते हैं कि छोटे छोटे गांवों में यहाँ पे अभी भी स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी नहीं है, लोगों को शहर आना पड़ता है। और एक जो औसत आयु निकाली गई तो विश्व बैंक के अनुसार वो भी कितनी है, 68 वर्ष जो है वो मानी। तो शिक्षा स्वास्थ्य का हमारे देश में क्या स्तर, निम्न है, इसलिए भी हम क्या करते हैं, बढ़ाने का प्रयास करते हैं, पर जनसंख्या भी ज्यादा है तो ये स्तर क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है। गरीबी की समस्या ये तो सब जानते ही है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने अनुमान निकाले हैं, वो अगले अपन आगे पढ़ेंगे कि गरीबी का जो इन्होंने स्तर निकाला है या जो इन्होंने यहाँ पर इसको समस्या को देखा है, तो यहाँ पे एक अर्थशास्त्री का नाम आ रहा है सुरेश तेंदुलकर, जिन्होंने एक अनुमान निकाला था 2011 में कि भारत में लगभग 21% लोग जो है वो गरीबों की श्रेणी में आ रहे, मतलब उनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं, भोजन, कपड़ा जो होते हैं, मकान, तो ये उनकी बुनियादी आवश्यकताएं भी नहीं हो रही। तो सरकार फिर क्या करती है, इनके लिए सुविधाएं देती है। एक सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पर है कृषि पर निर्भरता।
हमारे यहाँ अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कृषि पे ही निर्भर है। एक जमीन का टुकड़ा है, उसमें आवश्यकता से ज्यादा लोग लगे हुए हैं। अब ये छिपे हुए बेरोजगार हैं, क्योंकि इनका जो काम हो रहा है वहां पर योगदान नहीं हो रहा है। दिख तो रहा है, वो कार्य कर रहे हैं, कार्य में संलग्न दिखाई देते हैं, पर उनका श्रम व्यर्थ है, क्योंकि उनका उत्पादन में योगदान नहीं होगा। कार्य करते हुए जरूर दिख रहे हैं, पर वो छिपे हुए बेरोजगार हैं, क्योंकि जिस कार्य में आवश्यकता से ज्यादा लोग लगे होते हैं वहां पर उनका योगदान शून्य हो जाता है। जहां केवल दो की आवश्यकता है, वहां अगर चार लोग लगे तो ये जो दो हैं ये क्या कहलाएंगे, छिपे हुए बेरोजगार। इनको अगर किसी और कार्य में लगा दिया जाए तो ये वहां पर रोजगार में रत दिखाई देंगे। तो कृषि पे बहुत ज्यादा जो है अभी भी हमारे यहाँ जो है निर्भरता है, और स्वतंत्रता के समय में भी और बाद में भी जो है अगर आप देखते हैं कि बहुत लोग कृषि कार्य में ही ज्यादा संलग्न थे। स्वतंत्रता के समय 72% जो है जनसंख्या कृषि में थी, और वर्तमान में भी अगर अपन देखें तो लगभग 49% जनसंख्या अभी भी कृषि पर ही निर्भर है। कहने का तात्पर्य कि प्राथमिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा निर्भरता है, द्वितीय और तृतीय में उतना ज्यादा अभी सुधार नहीं हुआ है, इतना ज्यादा रोजगार लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। फिर आता है बच्चों, ये एक अलग से क्वेश्चन आता है, जनांकीय कारक, मतलब और कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो भारत को पिछड़ा साबित कर देती है। इसमें जन्म दर है, मृत्यु दर है, बाल मृत्यु दर है, मां की मृत्यु दर मतलब मातृ मृत्यु दर है, ठीक है, ये जो है तो हमारी एक तो बढ़ती जनसंख्या, ठीक है, जन्म दर बहुत ज्यादा है। फिर एक समस्या ये भी है, शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। तो ये क्यों है, इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है, और जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ती जा रही, तो कहा जाता है कि हमारे एक वर्ष में एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर जनसंख्या पैदा हो जाती है। तो इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ये तो हो सकता है कि हम चीन को छोड़ के आबादी के मामले में आगे बढ़ जाए, तो एक जनसंख्या विस्फोट ये माना जा सकता है। बेरोजगारी की समस्या, ये तो आपको मालूम है, संरचनात्मक बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, जो भी अपने बात की संरचना ऐसी है कि अभी भी लोगों के क्षेत्र के उसमें कृषि पे ज्यादा निर्भरता है, और जो भी अपने बात की थी छिपी बेरोजगारी यहाँ पर ज्यादा पाई जाती है, मतलब यहाँ पर ज्यादा निर्भरता है। पिछड़ी तकनीक, अभी भी हम देखते हैं किसान वही पुराने तरीकों से काम कर रहे हैं, या अभी भी विज्ञान में अगर हम देखते हैं कि नए नए जो खोजें हो रही है, अनुसंधान हो रहे हैं, उनको अभी भी ज्यादा महत्व नहीं मिल पा रहा जितना कि मिलना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो पिछड़ी तकनीक है, तकनीक पर भी कम खर्च हो रहा है, ज्यादा जो एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, है तो ज्यादा उसमें योगदान नहीं हो रहा है, या ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे भी हम क्या हो रहे हैं, तकनीक में पिछड़ रहे हैं अन्य देशों की तुलना में। अब जैसे अगर अपन सामान्य कृषि की बात करते हैं, तो बड़े बड़े विकसित देशों में सारा कार्य मशीनों से हो रहा है, और हमारे अभी भी गांव में जो है वो पुराने तरीकों से ही खेती की जा रही है। अभी भी नए नए औजार नहीं है, ठीक है, उनके पास बिजली के जो है उपकरण नहीं है, अभी भी पुराने प्रकार के उनसे ही वो खेती कर रहे हैं। तो ये क्या है, इनको और उत्पादन में पीछे कर देती है। अन्य विशेषताएं भी है इसके अलावा कि हमारे यहाँ आय का धन का वितरण समान नहीं है, अभी भी बहुत असमानता है, अभी भी एक मुट्ठी वर्ग लोगों के पास ही ज्यादा धन है, बाकी जो जनता है वो कम में गुजर बसर कर रही है, उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, लिंग जो है उसके आधार पर भेदभाव है, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी भी हम पिछड़े हुए हैं, इतनी तकनीक हमारी अच्छी नहीं है, उत्पादन ज्यादा जो है उसमें हम जो है आगे नहीं बढ़ रहे, ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं वो इसमें हैं। और मानव विकास में भी हम देखा जाए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें भी अगर हम देखते हैं तो उसमें अभी हमारा 129वां स्थान है, तो इसमें भी हम अभी काफी पीछे हैं। तो इसमें जो इंडेक्स देखे जाते हैं सूचकांक, उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य ये जो है मुख्य देखा जाता है, तो कुछ मामले में हमारा जो है पहले 130वां नंबर था, अब 129वां नंबर इसमें आ गया है। तो मानव विकास जो सूचकांक है इसमें भी अभी हमारी इतनी स्थिति अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये हमारी समस्या है। एक बच्चे ये पूरा प्रश्न बनता है अपना कि भारत की अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था है, इसको समझाइए, तो आपको ये इसको समझाना होगा। और फिर हम आते हैं इसके सेकंड पोर्शन में कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, इसके लिए मैं आपको बुक में से पॉइंट्स बता रही हूँ, यहाँ पे भी दिए हुए हैं ताकि आपको बुक से पता चल जाए कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में सतत और तीव्र वृद्धि हो रही है। ये एक अपना एक प्रभावशाली लक्षण है।
हमें कह सकते हैं कि एक अच्छा सूचक है कि हाँ हमारे देश में इसमें वृद्धि हो रही है। और हिंदू विकास दर के तहत इसमें बताया गया है और अपनी जो अर्थव्यवस्था है जो विश्व की सबसे जो तेज अर्थव्यवस्था है उसमें से बढ़ रही है और इसमें सुधार जो है हो रहा है 80-90 के दशक में। फिर हमारे यहाँ जो आर्थिक सुधार के लिए कार्यक्रम बनाए गए, क्योंकि कुछ नियम कानूनों में जो ढील दी गई, व्यापार के नियमों में जो अवरोधक लगे रखे थे उनको छूट दी गई, ताकि देश का सामान भी बाहर गया है और बाहर से भी देश में सामान आया है, तो विदेशी मुद्रा में जो वृद्धि हुई है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसने हमारे देश को आगे बढ़ाया। तो आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण मापदंड जब हमने बात की थी, पहला कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम है, तो प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए इसमें आय में वृद्धि की जा रही है और इसमें वृद्धि हुई भी। 90-91 के पश्चात प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर है वो 5% से अधिक बनी हुई है और ये सतत जो वृद्धि हो रही है, ये जो आंकड़े बताते हैं ये आप अपने बुक में देखिएगा, हिंदू विकास दर के तहत भी दी गई है और पंचवर्षीय योजनाओं के तहत भी जो नए नए जो कार्यक्रम लगाए गए हैं, नए नए योजनाएं जो बनाई गई उससे भी ये जो वृद्धि दी गई थी कि उपलब्धि हम मान सकते हैं। फिर अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन, जब भी हमने बात की कि संरचना में क्या था बच्चों, कि अभी भी हम जो है प्राथमिक क्षेत्र में ही ज्यादा हैं, तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है राष्ट्रीय आय में। अब प्राथमिक क्षेत्र में जो अंश था वो गिरता जा रहा है और द्वितीय व तृतीय क्षेत्र में हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। मतलब लोगों का रुझान कहाँ हो रहा है, द्वितीय को तृतीय क्षेत्र, द्वितीय कहने औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय कहने सेवा क्षेत्र, मतलब यहाँ पे अब रोजगार के अवसर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो भारत में जो कृषि का अंश जो 50% से अधिक था वो अब क्या हो गया है, थोड़ा सा कम हो गया है और उद्योगों में और सेवा क्षेत्र में भारी जो है योगदान बढ़ा है लोगों का, इसका अंश जो है अपने अर्थव्यवस्था में बढ़ा है। तो इसका अर्थ ये निकला है कि कम से कम भारत में राष्ट्रीय आय में जो निरंतर कम हो रहा है अंश प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय व तृतीय में बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी इसमें तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ता जा रहा है। मतलब अब लोग ज्यादा रुझान कहाँ आ रहा है इनका, सेवा क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र में मैंने आपको बताया था बहुत सारे क्षेत्र इसमें आते हैं, मतलब बहुत सारे इसमें सेवाएं आती हैं, वहां पे लोगों का रुझान बढ़ रहा है। तो इसी का जो संरचना में परिवर्तन है, तो इसी में इन्होंने दो पॉइंट बताए हैं, सेवा क्षेत्र में वृद्धि और व्यावसायिक संरचना में वृद्धि। तो सेवा क्षेत्र में सेवा क्षेत्र सबसे विशाल क्षेत्र बन गया है और अकेला सेवा क्षेत्र के 60% लगभग जो है उत्पादित कर रहा है और इसके साथ ही कृषि में उद्योगों में भी जो है इसकी दर जो है ऊंची बनी हुई है। और जो अपना विश्व सेवा या व्यापार सेवा है या व्यापार अपना जो है उसमें भी भारत की जो वृद्धि दर है वो काफी ऊंची हो गई है। भारत अगर देखें तो विश्व के जो प्रमुख 10 राष्ट्र हैं उसमें भारत भी शामिल हो गया, तो ये एक अच्छा सूचक है, एक अपने भारत के विकासशीलता का एक अच्छा संकेतक माना जाता है। और व्यावसायिक संरचना तो मैंने आपको बताई थी कि जो कृषि पे डिपेंड थे अब धीरे धीरे क्या हो रहा है उस पर निर्भरता कम हो रही है। तो 1951 में जो कार्य शक्ति थी, जो श्रमिक वर्ग था, जो 72% कृषि में था, अब इसमें कमी आ गई है, अब लगभग 50% ही है जो है वो कृषि कार्य में, बाकी अब किसमें ज्यादा हो गए हैं, लोगों को रोजगार ज्यादा मिल रहा है कहाँ पर, द्वितीय क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में। इसी में तीसरा पॉइंट है ये वाला, आर्थिक सामाजिक जो आधार संरचना है इसमें भी सुधार हुआ है। यहाँ पे जो हमने जो स्ट्रक्चर जो अपना है उसमें सुधार हुआ है, मतलब जो सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही है, जैसे यहाँ पर इन्होंने सड़कों के बारे में बताया है, जैसे सरकार की एक जो हम कहते हैं कि एक कर्तव्य है कि नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधाएं देना, उसमें बहुत सारी सुविधाएं, डाक तार विभाग भी है, रेल है, सड़क है, तो ये सुविधाएं देना सरकार का कर्तव्य है। तो सड़कों की लंबाई जो थी वो वर्तमान में बढ़ गई है, बैंकिंग क्षेत्र में, बीमा क्षेत्र में यहाँ पर भी जो है व्यापक विस्तार हुआ है। और जीवन प्रत्याशा जो मैंने आपको बताया था, जीवन जीने की जो औसत आयु है वो बढ़कर के भी कितनी हो गई है, वो जो पहले कम थी अब बढ़कर के कितनी हो गई, 68 वर्ष हो गई। तो ये सुधार के विकास के आधार स्तंभ माने जाते हैं। तो हम इसमें कह सकते हैं कि सरकार जो संरचना में भी विकास कर रही है, सुधार कर रही है और इससे फायदा किसका होगा, देश के नागरिकों का होगा। इसके अलावा जो अन्य कारक इन्होंने बताए हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर जो है उसमें भी अब पर्याप्त कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है और ये कमी आई भी है। सरकार की जो कोशिशें हैं उसमें सरकार ने जो कई सारी योजनाएं चलाई हैं, परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए हैं
लोगों को जागरूक किया है छोटे परिवार के लिए, और जो है विवाह की उम्र बढ़ाई है, संतान उत्पत्ति को कम करने का प्रयास किया गया है, छोटे परिवार सुखे परिवार नारे दिए गए हैं, परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए गए हैं, तो इससे क्या हो रहा है थोड़ी सी कुछ कमी हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के सूचक है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में हम दो तरह की अगर तुलना करते हैं तो पहले हम इसको कह सकते थे कि अविकसित है, अब ये जो निरंतर हम जो सुधार देख रहे हैं तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेतक है, और हम इसको एक अच्छा संकेत मानते ये भी कह सकते हैं कि आगे आने वाले वर्षों में अगर भारत इसी प्रकार से अपनी कमियों को दूर कर लेता है, अर्थव्यवस्था में हम जो कमियां हैं उसको दूर कर लेते हैं, तो हम भी जो है, और अगर हम जनसंख्या पे भी काबू पा सकते हैं, और हम शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोजगार के क्षेत्र में आगे जो है बहुत ज्यादा कई तरह के हम इसमें आगे वृद्धि कर सकते हैं, गरीबी कम कर सकते हैं, महंगाई कम कर सकते हैं, तो हम एक विकसित राष्ट्र बनने से जो है पीछे नहीं है, हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमने इसकी जो है तुलना आपस में की। फिर हम आगे देखेंगे इसमें कि किस प्रकार से आर्थिक सुधार किए गए, कार्यक्रम किए गए, आर्थिक सुधार में उदारीकरण आता है, वैश्वीकरण आता है, ठीक है। तो ये जो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे निजीकरण है, ये क्या था और कैसे किया गया, इसमें सरकार ने क्या उपलब्धि हासिल की, क्या इसमें कदम उठाए गए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हमने केवल बच्चों दो बातें देखी भारत के बारे में, एक तो हम अविकसित क्यों रहे पर हमने थोड़ा जो सुधार किया था, हम विकासशील अर्थव्यवस्था में इसमें ये आते हैं।